गाइस, ये है जॉन और ये है रीटा। जॉन जब इस सोफे पर बैठता है तो उसे ये सोफा बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, तो वो कहता है कि मुझे यह सोफा बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अब बात करते हैं हम लोग रीटा की। अब जॉन सुन रहा है गाना और रीटा जब उस सॉन्ग को सुनती है तो रीटा को वह गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो रीटा उसे बोलती है कि ये सॉन्ग बहुत ही बोरिंग लगता है। सो गाइस, आपने यहाँ पर नोटिस किया कि दोनों को ही जो चीज़ है, जैसे जॉन बात कर रहा है सोफे की और रीटा बात कर रही है सॉन्ग की, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि दोनों ही सेंटेंसेस में लग रहा है या फिर लगता है ये वर्ड्स आ रहे हैं। मतलब हिंदी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सेम है, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें जो सेंटेंसेस बनेंगे वो भी बिल्कुल सेम बनेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हाँ, सेंटेंसेस सेम है लेकिन सिचुएशन अलग है। जॉन जो है सोफे को फील कर रहा है लेकिन रीटा गाने को सुन रही है, राइट? तो यहाँ पर गए सिचुएशन अलग है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग तरह से अलग अलग मीनिंग रखते हैं, जैसे लुक भी दिखना के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साउंड भी लगना के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसे कब यूज़ करेंगे? फील होता है महसूस करना, टेस्ट होता है लगना, स्मेल का मीनिंग भी लगना। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है साउंड, टेस्ट और स्मेल, तीनों का मीनिंग लगना होता है, लेकिन कब कहाँ पर क्या यूज़ करना है ये मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताने वाली हूँ, सब कुछ बहुत ही डिटेल में। सो गाइस, वीडियो का एंड तक बने रहिए क्योंकि आज के ये वाले स्ट्रक्चर्स बहुत ही छोटे हैं लेकिन इतने काम के हैं कि जिनको पढ़ने के बाद में आप कई तरह के सेंटेंसेस ईजिली बना सकते हैं। सो गाइस, माय नेम इज़ खुशी और आज हम सीखने वाले हैं स्पेशल यूजेस ऑफ लुक, साउंड, फील, टेस्ट एंड स्मेल। लेट्स बिगिन। गाइस, अगर हम लोग बात करें सबसे पहला सेंटेंस लुक की, तो देखिए लुक हम तब यूज करेंगे जब आप किसी को देखकर कुछ जज करते हैं और बोलते हैं कि यार वो तो खुश दिखाई देता है। मतलब किसी के फेस को देखकर आप उसके बारे में बताते हैं कि वह खुश दिखाई देता है, वह तो दुखी दिखाई दे रहा है या फिर वह बहुत एक्साइटेड लग रहा है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं दिखाई देने वाले सेंस में, दिखते हैं या दिखाई दे रहे हैं, कैसे? लुक वाइज, किसी को फेस को देखकर, तो वहां पर आपके सेंटेंसेस लुक और लुक से बनते हैं। एक और चीज, आपका सेंटेंस भले ही गाइस कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रहा है, आप उसे प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे क्योंकि लुक में आईएनजी हम लोग नहीं लगाते हैं। एक स्टेटिक वर्ब है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहां पर दिया हुआ है यू लुक कॉन्फिडेंट। जब आप किसी को देखकर बोल रहे हैं कि यार तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हो बाय फेस, तो आप उसे बोल सकते हैं यू लुक कॉन्फिडेंट। सेकेंड हमारा है दिस रूम लुक्स अनटाइडी। मतलब इन्हें कि आपने ये रूम को देखकर जज किया कि भैया ये रूम तो बहुत ही अस्त व्यस्त बिखरा सा दिख रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस रूम लुक्स अनटाइडी। यहाँ पर हम इसी को डब्ल्यूएच में कन्वर्ट कर देंगे, आपको कोई दुखी दिख रहा है तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू लुक सैड। आपने उसके फेस को देखकर जज किया, ना कि उससे बातों से। अगर आपको किसी की बातों से कुछ पता चलता है तब हम वहां पर अदर स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाई डू यू लुक सैड, तुम इतना दुखी क्यों दिख रहे हो। ही डजंट लुक ओल्ड, वह बूढ़ा नहीं दिखता है। अब आपने फेस को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर जज किया कि यार ये तो बहुत ही यंग लग रहा है, बूढ़ा नहीं दिखता है। आपको उसे इंग्लिश में बोलना है कि वह बूढ़ा नहीं दिखता है, आप उसे बोलेंगे ही डजंट लुक ओल्ड। ही डजंट लुक ओल्ड। ही लुक्ड टायर्ड, वह थका हुआ दिखाई दे रहा था। He looked tired. मतलब आप क्या करेंगे, ये look को आप past में अगर use करना चाहे तो look की second form looked कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर continuous बना रहे हैं so continuous में ing नहीं लगाएंगे, आप उसको present simple ही बनाएंगे। अब इस present simple tense में हम लोग negative में किसका use करते हैं, do and does not का। तो बस आप इसमें भी do and does not का use करेंगे। पास्ट सिंपल का नेगेटिव है तो टेंस के अकॉर्डिंग डिड नॉट का यूज कर देंगे। जैसे कि वह कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, ही डिड नॉट लुक कॉन्फिडेंट। या फिर तुम एक्साइटेड नहीं लगते लग रहे थे, यू डिड नॉट लुक एक्साइटेड। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो ध्यान रखना आप लुक का यूज करेंगे जब आप किसी को देख कर कुछ जज करते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट है साउंड। अच्छा, साउंड का मीनिंग क्या होता है? आवाज, है ना? तो जब आपको कुछ दिखता है
सुनकर ऐसा लगता है, मतलब आप हिंदी में तो दिखता ही बोलते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा कि रीटा ने कहा था कि मुझे यह गाना बहुत बोरिंग लगता है, लगता है दिखता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप साउंड का यूज करेंगे जब आप सुनकर किसी चीज को जज करते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ही साउंड्स कंफ्यूज्ड, मतलब यानी कि वह कंफ्यूज दिखता है। अब जब आप किसी की बातों से, मतलब सुनकर, राइट, सुनकर आप जज कर रहे, बाय फेस नहीं, बाय फेस आप कर रहे हैं तो आप लुक का यूज करेंगे, लेकिन कुछ सुनकर आप किसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं कि ये अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है या बोरिंग लगता है सुनने में, तो आप वहां पर साउंड का यूज करेंगे। जैसे ही साउंड्स कंफ्यूज्ड, उसने कुछ कहा और उसकी बातों से आपको लगा कि वह कंफ्यूज लग रहा है, तो आप बोलेंगे ही साउंड्स कंफ्यूज्ड। सेम सिचुएशन गाइज, हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ ये सेकेंड सेंटेंस है हमारा, इट डजंट साउंड गुड, यह अच्छा नहीं लगता है। आपने कोई म्यूजिक प्ले किया और कोई बोल रहा है कि यार बंद करो, इससे अच्छी नहीं लग रही है, तो मतलब सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इट डजंट साउंड गुड, मतलब यानी कि सुनने में वो गाना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे रीटा ने कहा था कि ये गाना बहुत ही बोरिंग लगता है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट साउंड्स बोरिंग। ओके, हमने यहाँ पर लुक का यूज नहीं किया क्योंकि हम सुनाई देने वाले चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इट साउंड्स डेंजरस, यह बहुत ही खतरनाक लगता है। आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर आपने कुछ देखा और उसकी आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, अब आप बता रहे कि यार तो बहुत ही खतरनाक लगता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट साउंड्स डेंजरस। ओके, इट डजंट साउंड ट्रू, मतलब ये सही नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ कहा, कोई न्यूज़ चल रही है, सुनने में आपको वो लग रहा है कि सही नहीं है, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डजंट साउंड ट्रू, यह सही नहीं लग रही है। डज इट साउंड ट्रू, क्या यह सही लग रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्रेजेंट और पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस अगर आप इसे पास्ट में करना चाहें तो साउंड का साउंडेड हो जाएगा, ठीक है। पास्ट सिंपल का जब नेगेटिव बनता है तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है फील। जैसे कि फील हमें कब यूज करना है, जब हम किसी चीज को महसूस करके कुछ बता रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जॉन ने क्या कहा कि मुझे यह बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। अब देखिए जॉन को यह सोफा कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब वह इस चीज को फील कर रहा है। इसे जो है सॉन्ग बोरिंग लग रहा है, मतलब वह इस साउंड को क्या कर रही है गाइस, सुन रही है, लिसन कर रही है, ठीक है। दोनों सिचुएशन अलग है, तो यहाँ पर फील के लिए, मतलब महसूस करने के लिए हम लोग फील का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, इट फील्स कोल्ड, यह ठंडा लगता है। आपने किसी चीज को पकड़ा और वो आपको महसूस हो रही है ठंडी, तो आप बोल रहे हैं कि यार ये तो ठंडा लग रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आप बोलेंगे इट फील्स कोल्ड। सेम कॉन्टिन्यूस अगर हम बना रहे, व्हेन यू फील समथिंग बाय टचिंग, टच करके जब आपको कुछ लगे, इट फील्स वेट, यह गीला लग रहा है। कोई टॉवल है आपको किसी ने हाथ में दिया, आप बोल रहे यार इसे बाहर सुखाने के लिए डाल दो, यह गीला लग रहा है, तो आप बोलेंगे इट फील्स वेट। डज इट फील सॉफ्ट, क्या यह सॉफ्ट लग रहा है। सेम यहाँ पर सिचुएशन आ गई जॉन वाली, जॉन ने कहा यह तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, इट फील्स वेरी कंफर्टेबल। डज इट फील डिफरेंट, क्या यह अलग दिखता है। दिखने में नहीं गाइस, फील करने में, महसूस करने में। आई फील कंफर्टेबल, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब जब आप महसूस करते हैं तो आप वहां पर फील का यूज करते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, जिस चीज को महसूस करेंगे वहां पर फील। गाइस टेस्ट का मीनिंग भी होता है लगना, लेकिन हम सभी जानते हैं टेस्ट मतलब क्या होता है, स्वाद या फिर स्वाद लेना। तो जब आपको किसी चीज़ को टेस्ट करने में कोई बताना हो कि यह टेस्ट करने में फीका लगता है, खट्टा लगता है, तो आप वहाँ पर टेस्ट का यूज़ करेंगे, जब आपको कोई चीज़ चखने के बाद में आप उसके बारे में बताना चाह रहे हो। जैसे आपने चाय पी और आपने कहा कि यार चाय अच्छी लग रही है, मतलब आपने उसको टेस्ट किया और फिर बताया, दिखने में नहीं, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे टी लुक्स ग्रेट, नो, टी टेस्ट इज गुड। यहाँ पर देखिए द टी डजंट टेस्ट ओके, मतलब चाय जो है वो अच्छी नहीं लग रही है, मतलब किसमें, स्वाद में, टेस्ट में अच्छी नहीं है। इट टेस्ट इज वेरी बैड, यह बहुत ही बेकार लग रहा है। कुछ आपने खाया उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे
इट टेस्ट इज वेरी गुड, इट टेस्ट इज डिलीशियस, आपको कुछ टेस्ट करने में बहुत ही स्वादिष्ट लगा, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे इट टेस्ट इज डिलीशियस। डज इट टेस्ट साउर, क्या यह खट्टा लगता है? तो जब आपको किसी भी चीज के बारे में बताना हो, टेस्ट करने के बारे में, आप वहां पर यूज करेंगे दिस टेस्ट का। सेम सिचुएशन प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और हम यहाँ पर टेस्ट का यूज कर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम बना देंगे। बढ़ते गाइस हम लोग हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और वो है स्मेल। देखिए स्मेल मतलब होता है किसी चीज की महक लेना, सूंघना। तो जब आपको किसी चीज की स्मेल आती है और स्मेल करने के बाद आप बताते हो कि यह अच्छा लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है स्मेल करने पर, तो आप वहां पर स्मेल का यूज करेंगे। देखिए इट स्मेल्स बैड, आपने किसी चीज की स्मेल ली और आपको इसकी खुशबू अच्छी नहीं आ रही है, तो आप बोलेंगे इट स्मेल्स बैड, मतलब यह अच्छी खुशबू नहीं दे रहा है। इट डजंट स्मेल गुड, इसकी खुशबू अच्छी नहीं आ रही है। इट स्मेल्स बैड, यह बैड स्मेल कर रहा है। इट डजंट स्मेल गुड, यह अच्छी स्मेल नहीं कर रहा है। तो यहां पर भी गाइज क्या सिचुएशन है कि आप जब किसी चीज को स्मेल करें, तो एक बार हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमने कितने सारे वर्ड्स पढ़े और सबका मीनिंग क्या क्या निकल रहा है। लुक हमने देखा, लुक का मीनिंग होता है दिखना। तो जब आप किसी के फेस को देखकर कुछ बताते हैं कि ऐसा लगता है, वैसा लगता है, खुश लगता है, दुखी लगता है, संतुष्ट लगता है, तो लुक का यूज करेंगे। साउंड, जब किसी की बात सुनने पर, कोई सॉन्ग सुनने पर, कोई साउंड सुनने पर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो वहां साउंड का यूज होगा। किसी चीज को आप महसूस करते हैं और बता रहे हैं कि ये महसूस करने पर सॉफ्ट लगता है, हार्ड लगता है, तो वहां पर आप फील का यूज करेंगे। टेस्ट, जब आप कुछ चखते हैं, टेस्ट करते हैं। स्मेल, जब आप कुछ सूंघते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। ये सारे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे रही हूँ जो आपको पहचानना है कि ये फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट किस में बनने वाला है, और आपको करनी है प्रैक्टिस। मिलते हैं गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।